हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI और फ्लोर एरिया रेशियो के बारे में। कहाँ इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है और कैसे निकालते हैं हम फ्लोर एरिया रेशियो को, और क्या होता है फ्लोर एरिया रेशियो हमारा सिटी के अकॉर्डिंग, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। देखने से पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल जिसका नाम है फील्ड वर्क एक्सपर्ट। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। देखिए, मैं समझाता हूँ आपको फ्लोर स्पेस इंडेक्स और फ्लोर एरिया रेशियो एक ही चीज है। निकालते कैसे हैं, देखिए, ये आपका एरिया ऑफ प्लॉट, क्लियर। ये आपका कंस्ट्रक्शन एरिया, यहां सपोज करिए G+10 की बिल्डिंग है आपकी, तो यहां से आपको फ्लोर एरिया रेशियो निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ऑल फ्लोर टू द एरिया ऑफ प्लॉट। जितने आपके फ्लोर है वहां का आप एरिया काउंट कर लें, उसके बाद आप अपने प्लॉट का एरिया काउंट कर लें, वहां से आप रेशियो निकाल सकते हैं फ्लोर एरिया रेशियो कितना है। नॉर्मली हमारा फ्लोर एरिया रेशियो वेरीज करता है 0.3, 0.4, 40, 0.50, 60, 70, 80, 1, 2, 3 तक रहता है। ये डिपेंड करता है सिटी पर। ये सपोज करिए आपका रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन है, या इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन है, या आप लेबोरेटरी डिजाइन कर रहे हैं, आप किस हिसाब से कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं उसके डिपेंड करता है कि क्या व्यू पॉइंट है उसके, क्या लोकेशन है। सपोज करिए अगर आपका इंडस्ट्रियल एरिया है तो आपका फ्लोर एरिया रेशियो अलग होगा, अगर आप कॉमर्शियल प्लेसेस में अपना शॉप वगैरह डिजाइन कराते हैं तो उसका फ्लोर एरिया रेशियो अलग होगा। तो उस हिसाब से अलग अलग रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, ये हमारा प्लॉट का एरिया है, इसकी लंबाई है 130 फीट, चौड़ाई है 120 फीट। तो एरिया ऑफ प्लॉट क्या हुआ हमारा, साइट एरिया L1 × W1, तो 15,600 स्क्वायर फीट हमारे प्लॉट का एरिया हुआ है, ठीक है। अब फ्लोर एरिया रेशियो निकालना है तो हमें कंस्ट्रक्शन एरिया निकालना होगा कि हम कितने में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एरिया को, घर कितने स्क्वायर फीट में बना रहे हैं। तो लंबाई है उसकी 80 फीट बाई 70 फीट, तो यहाँ के हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया ग्रॉस फ्लोर एरिया कितना हुआ है, L2 × W2, यानी 5600 स्क्वायर फीट। मतलब आप एक मंजिल घर बना रहे हैं 5600 स्क्वायर फीट का, और आपका प्लॉट का एरिया है 15,600 स्क्वायर फीट। अब जहां से हम कैसे निकालेंगे फ्लोर एरिया रेशियो, देखिए अभी मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ ऑल फ्लोर डिवाइड बाय एरिया ऑफ लैंड, या आप जो भी एरिया ऑफ पार्सल वगैरह जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। तो देखिए फ्लोर एरिया रेशियो FAR इंडिकेट करता है फ्लोर एरिया रेशियो L2 × W2, ये एरिया ऑफ हमारा साइट, ठीक है, कितना आया था 5600। अब हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया कितना था हमारा, सॉरी ये हमारा था ग्रॉस फ्लोर एरिया जो हमें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो एरिया। अब हम एरिया ऑफ साइट कितना था हमारा, 15,600 स्क्वायर फीट, यहाँ से हम फ्लोर एरिया रेशियो निकाल सकते हैं। तो कितना है 0.35। यहाँ पे देखिए, ये इतना आप गार्डन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, इतना ओपन स्पेस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर बात करें अगर आपका घर 2 मंजिल है तो उसमें फ्लोर एरिया रेशियो कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहली मंजिल का आपका एरिया है 5,000 स्क्वायर फीट, दूसरी मंजिल का आपका एरिया है 4,500 स्क्वायर फीट। दोनों एरिया को आप काउंट करें A1 + A2, तो कितना हो गया 4,500 + 5,000, 9,500 स्क्वायर फीट आपका कंस्ट्रक्शन एरिया हो गया। अब एरिया ऑफ साइट क्या हुई आपकी, 120 स्क्वायर फीट बाई 130 स्क्वायर फीट। सेम वही घर है आपका, प्लॉट एरिया सेम है, केवल आपका फ्लोर 2 हो चुके हैं। अब तो कितना साइट एरिया, 15,600 स्क्वायर फीट, जहां पे हमें फ्लोर एरिया रेशियो निकालना है A1 + A2, यानी 9,500 स्क्वायर फीट डिवाइड करें आप 15,600 स्क्वायर फीट, तो आपका निकल कर आएगा 0.6089 फ्लोर एरिया रेशियो। एक एग्जांपल और मैं बताता हूं आपको, ये देखिए ये डिफरेंट है। यहां पे लंबाई है आपके प्लॉट की 200 स्क्वायर फीट भाई, इसकी चौड़ाई है 190 फीट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 मंजिल डिजाइन कर रहे हैं आप, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हर मंजिल का एरिया अलग अलग 3,000, 4,000, 3,000, 5,000 स्क्वायर फीट। तो हम यहाँ पे फ्लोर एरिया रेशियो कैसे निकालेंगे, चारों ही एरिया को आपको प्लस करना है, कितना हुआ आपका 15,000, प्लॉट एरिया कितना था आपका 38,000 स्क्वायर फीट, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 38,000 आएगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि आपका फ्लोर एरिया रेशियो कितना आ रहा है। घर बैठे आप अपने घर का फ्लोर एरिया रेशियो भी निकाल सकते हैं। इसकी आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, आपने देखा होगा आजकल इन्वायरमेंटल, पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं लोग, बाग अपने घर पूरा कंस्ट्रक्ट कर देते हैं तो ग्रीनरी पे इफेक्ट पड़ रहा है। इसकी आवश्यकता, अगर आप आर्किटेक्ट से डिजाइन करा रहे हैं बिल्डिंग, तो बिल्डिंग बाय लॉस के अकॉर्डिंग ही आप बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, ऐसा नहीं कि आप पूरे में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बिल्कुल ही स्पेस ना छोड़ें, तो वो बहुत जरूरी रहता है स्पेस छोड़ना, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल जिसका नाम है फील्ड वर्क एक्सपर्ट। देखने के लिए धन्यवाद।